मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? लाइव क्लास में आप सबका हार्टली वेलकम। आप हमारे साथ जुड़ते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखो गाइस, हम वापस इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग के मैकेनिज्म को समझते हैं और उसके लिए हमारी ग्रामर को फिर से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कंपोजिशन सेक्शन वाले सेक्शन पर बात कर रहे थे हम, और वहाँ पर हमने लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस किया। आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको लेटर राइटिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज हम देखो एक ग्रामर का न्यू टॉपिक है क्लोज, उसको लेकर डिस्कस करते हैं। गाइस देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लोज क्या होती है। देखो क्लोज क्या होती है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही वेंट, यहाँ तक मैंने लिखा, सब्जेक्ट लिखा और वर्ब लिखा। क्या ये पूरा सेंस दे रहा है क्या? ही वेंट, हम आगे कुछ तो लिखे, ये पूरा सेंस नहीं दे रहा। ये पूरा सेंस नहीं दे रहा दो सेंटेंस का, वह पार्ट जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट भी हो और उसके साथ में वर्ब भी हो और उसका सेंस कंप्लीट ना हो, उस वाले पार्ट को हम क्लोज कहेंगे। देखो अब मैं एक पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, देखो किस प्रकार से लिखेंगे अपन। सी went there and met her father when he was reading a novel। देखो मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, इसको हम सेंटेंस कहेंगे। यहां पर हमें एक चीज डिसाइड करनी है, इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ कहाँ पर आई, पहले उसको तलाशते हैं। देखो हम, एक तो ये वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है और ये वर्ब है। गाइस आप इस बात को समझे होंगे, इस सेंटेंस में तीन जगह पर तीन वर्ब लिखी हुई है। ओके, इसको हम एक साथ ही मानेंगे। देखो ही सॉरी वॉज रीडिंग, ये वर्ब है पूरी, ये एक ही वर्ब मानेंगे। आप इस तरह से काउंट नहीं करोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वह चीज़ अलग होती है, आपको केवल वर्ब देखनी है। इस सेंटेंस में तीन वर्ब आई तो क्लोज कितनी हुई, तीन हुई। सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, जितनी वर्ब होगी सेंटेंस में उतनी ही क्लोज होगी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर यह भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और यहाँ पर यह भी क्लोज है, यानी यहाँ से जो ये जो लिखा हुआ है ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। गाइस देखो इस चीज को हम समझ गए, यानी सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट हो वर्ब हो बट उसका सेंस पूरा ना हो, उसे हम क्लोज कहेंगे। वो अपने सेंस के लिए दूसरी क्लोज पर डिपेंड हो सके। एक सेंटेंस में एक क्लोज हो सकती है, दो क्लोज हो सकती हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती है। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ को आप समझ चुके हैं। देखो ये इस चीज़ को आपने डिफाइन कर लिया। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है कि हम इनको अलग अलग बांट दिया साहब हमने, तो इनके नाम क्या देंगे हम? गाइज आपने पढ़ा है प्रिंसिपल क्लोज होती है, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की क्लोज हुई हमारे पास में। अब इनको समझने के लिए देखो, पहले एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, थोड़ा सा आपके लिए माइंड ब्लोइंग टॉपिक है ये, तो अब इसको फिर से स्टार्ट करते हैं अपन। एनी सेंटेंस का वह पार्ट, अब मेरे साथ बोलिए, अभी आपको लर्न हो जाएगा। सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट हो वर्ब हो। अब देखो सब्जेक्ट और वर्ब हो और ओ सी ए, ये हमारे जो देखो फाइव एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस में, इनसे मिलकर पूरा सेंटेंस बनता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, उसको हम क्लोज कहेंगे और उसका मीनिंग पूरा नहीं होगा, मीनिंग पूरा नहीं होगा। अब आप एक बात समझिए, दुनिया का हर सेंटेंस एक क्लोज है, मेरी बात समझ गए? दुनिया का हर सेंटेंस क्लोज है बट हर क्लोज सेंटेंस नहीं है, इस बात को आप याद रखिए। दुनिया का हर सेंटेंस क्लोज होती हैं बट हर क्लोज सेंटेंस नहीं होती हैं, क्योंकि सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में क्लोज में तो केवल आपको सब्जेक्ट लिखा और वर्ब लिखी या दोनों को प्लस किया, और सेंटेंस में क्या होता है, देखो सेंटेंस के अंदर इसमें देखो एस वी ओ सी ए ये होना चाहिए, इनमें से कोई भी
दो या एक एलिमेंट हो तब भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन प्लस में क्या हो, सेंस कंप्लीट हो। सेंस कैसा हो, सेंस कंप्लीट होना चाहिए। एनी वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस, जिसके पास में कंप्लीट सेंस हो, जबकि क्लोज के पास में सेंस कंप्लीट नहीं होता। दोनों में आप डिफरेंस समझ गए, इसके पास में सेंस कंप्लीट नहीं होता, लेकिन जिस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होगा उसको भी हम क्लोज बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हर क्लोज को सेंटेंस नहीं बोल सकते। अंडरस्टूड? अब आप इसकी डिफिनेशन लिखिए, यानी कि मैं आपको, देखो हमारे साथ में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी होते हैं तो हिंदी में बोल देता हूँ, आप थोड़ा इस चीज़ को कंप्रोमाइज कर ले, समझिए। देखो, सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट व वर्ब हो बट अपना कंप्लीट सेंस नहीं हो, उसे हम क्लोज कहेंगे, उसे हम क्लोज कहेंगे। और सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस। तो इस प्रकार से आपने दोनों में डिफरेंस समझ लिया। अब हम क्लोज की टाइप की बात करते हैं, पहले हम क्लोज की टाइप समझेंगे। देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। देखो, क्लोज की मेन जो टाइप होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कोऑर्डिनेट, देखो ये आपके कोऑर्डिनेट क्लोज, और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज दो प्रकार की क्लोज होती हैं। अब देखो सुनो, लेकिन एक और क्लोज होती है जिसको हम बोलते हैं मेन क्लोज। इस बात को आप समझ गए? अब देखो, आपको एक बात समझनी है, जब किसी मेन क्लोज के साथ में कोऑर्डिनेट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज हो तब इसका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन आप इसको याद मत रखना, मैट्रिक्स क्लोज बोलते हैं इसको। फिर कौन सी क्लोज बोलते हैं, मैट्रिक्स क्लोज। अब आप ये चीज याद रखिए, मैंने इसका जो क्लासिफिकेशन बताया आपको, टू टाइप होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, प्लस एक और क्लोज होती है मेन क्लोज। और मेन क्लोज ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है अपना। तो आप समझिए, देखो कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, इन दोनों को हम समझते हैं, और इनको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या उस सेंटेंस में जिसमें एक से ज्यादा क्लोज हो वहां पर किस तरह से हम इनको अलग अलग कर पाएंगे, उस चीज को समझते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वापस मेरी बात रिपीट करता हूं, क्लोज क्या होती है आपने देख लिया, क्लोज को हम मेनली यानी मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, प्लस एक और क्लोज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मेन क्लोज, उसी को प्रिंसिपल क्लोज ही बोलते हैं। इन दोनों को कैसे डिफाइन करते हैं वो समझते हैं अपन। देखो गाइज, एक बात समझना आप, हमारे पास में कुछ ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो जिनको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। देखो कौन कौन से हैं, एक तो है एंड, एक फॉर, एक एज वेल एज, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मेनली जो हमारे काम आने वाले उनमें उनको लिख रहा हूं, एंड है, फॉर है, एज वेल एज है, नोर है। अगर आपको सेंटेंस में ये नजर आ जाए, मेरी बात समझना, सेंटेंस में अगर आपको ये इनसे कोई क्लोज जुड़ी हुई नजर आ जाए तो वो क्लोज कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो जिनको मैं आपको सिंपली भाषा में लिख देता हूं, इफ, देट और डब्ल्यू एच वर्ड, यानी इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम लेते हैं, इफ देट और रिलेटिव प्रोनाउन या डब्ल्यू एच वर्ड्स नाम दे सकते हैं। अगर इनसे कोई क्लोज जुड़ी हुई है तो उसको हम कौन सी क्लोज बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज। वापस मेरी बात रिपीट करता हूं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो क्लोज जुड़ती हैं उसको हम कोऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज उसे बोलते हैं जो इफ, देट और डब्ल्यू एच वर्ड से बनती हो, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होती हो। ओके, अब देखो ये चीज समझ गए होंगे आप। अब एक गाइज एक बात समझते हैं, हमारे पास में डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या काम करते हैं, ये डब्ल्यू एच वर्ड्स देखो, अगर इन सब का क्वेश्चन किससे बनता है, क से, अगर क से स्टार्ट हो जाए इनका अर्थ तो क्या होंगे उस समय, ये इस क्लोज को नहीं बनाएंगे। इनका अर्थ जब जैसे हो जाए,
अगर जब इनका मीनिंग जब से निकले जैसे, आप इस वर्ड को याद रखिए, हिंदी के ज अक्षर से निकले, यानी कि वह हमारे यहाँ आई जब से बातें कर रही हैं, तो जब से निकल गया ना, तो तब क्या होगा, तब ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड से ना ये कौन सी क्लोज बनाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज। और यदि कैसे अर्थ निकल जाए, कब आई, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बनाएंगे फिर। अंडरस्टूड, इस बात को समझ गए आप, यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया उसको फिर से रिमाइंड करवाता हूँ। क्लोज क्या होती है, आपको पता लग गया सेंटेंस का वह पार्ट, बोलिए सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, परंतु अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरी क्लोज पर डिपेंड रहती हो, उसको क्लोज बोलते हैं। क्लोज को हम दो भागों में बांटते हैं। अब देखो दो भाग कौन कौन से होंगे, एक तो होगा, बताइए कौन कौन से होंगे दो भाग, एक तो कोऑर्डिनेट क्लोज और एक होगी सबऑर्डिनेट क्लोज। और गाइज एक और क्लोज होती है जिसको बोलते हैं अपन मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। देखो अब इनको किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करेंगे वह चीज़ समझते हैं हम। आपको मैंने बताया यदि कोई कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से कोई क्लोज जुड़ी हुई है तो उसको हम कोऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे, यदि कोई क्लोज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई है तो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे, ओके। और जो किसी से नहीं जुड़ी हुई है उसको हम मेन क्लोज कहेंगे। देखो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, सी वेंट देयर एंड मेट हर फादर व्हेन ही वॉज रीडिंग अ नोवल। देखो ये सेंटेंस हमने लिखा गाइज, ये सेंटेंस है, इस बात को आप समझ ही गए, पूरा मीनिंग दे रहा है। सी वेंट देयर, वो वहाँ गई, उसके पिता से मिली, और जब उसके पिता यानी जब वह क्या कर रहे थे, नोवल पढ़ रहे थे। अब देखो यहाँ से हम इसको अलग करते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, कौन सी क्लोज बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेन क्लोज। इसको क्या कौन सी क्लोज बोलेंगे, मेन क्लोज। अब देखो ये सबसे पहले कार्य हुआ, जो सबसे पहले काम होगा उसको भी हम मेन क्लोज बोलते हैं। मेन क्लोज को ही इसके साथ में अगर कोई भी कोऑर्डिनेटिव, ये कोऑर्डिनेटिव क्लोज है। अब बताओ कोऑर्डिनेटिव क्लोज क्यों हुई, क्योंकि इसको हमने एंड से जोड़ रखा है, और एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है, तो इस क्लोज को क्या नाम देंगे अपन, कोऑर्डिनेट क्लोज। अब यहां देखिए गाइज, यहां पर क्या आया हमारे पास में, वेन, और इसका अर्थ क्या निकल रहा है, हिंदी के जैसे स्टार्ट हो रहा है जब, तो क्या होगा, देखो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कौन सी क्लोज बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन सी क्लोज बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इस सेंटेंस में हमारे पास में कितनी क्लोज हुई बताओ आप, 3 क्लोज हुई। पहली कौन सी हुई, मेन क्लोज, दूसरी कौन सी हुई, कोऑर्डिनेट क्लोज, और थर्ड वाली कौन सी हुई, सबऑर्डिनेट क्लोज। हमने देखो इनके तीनों के ये नाम दे दिए, क्यों दिए आपको पता लग गया, रीजन क्या था ऐसा बताने के लिए, कोऑर्डिनेट क्लोज क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको किससे जोड़ रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट क्लोज हो गई, उसको डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ रहे हैं और उसका अर्थ हिंदी में जैसे निकल रहा है, तो वो कौन सी क्लोज होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। वहाँ पर इफ देट और सभी डब्ल्यू एच वर्ड्स से अगर जुड़ने वाली कोई क्लोज है तो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। गाइज ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखो हम यहाँ से समझते हैं कि ये सेंटेंस की टाइप कौन सी हुई। देखो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन समझिए साथ में, आपसे कहा जाए कि सेंटेंस किस टाइप का है साहब। देखो सेंटेंस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और नंबर 4 मिक्स सेंटेंस। तो आप देखो मिक्स सेंटेंस भी होता है लेकिन उसको वो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है, तो मिक्स सेंटेंस को भी आप छोड़ दे, 3 याद रखिए, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ देखिए, देखो
यहां पर हमारी जो पहली दो क्लोज हैं वो किससे जुड़ी हुई है, एंड से जुड़ी हुई है। तो एंड कौन सा है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो कोऑर्डिनेट क्लोज बनी। तो जो एक या सॉरी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, या तो दो हो या दो से अधिक, कोई भी क्लोज अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई है तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, फिर उस पर नहीं देखेंगे। अगर आप उस पर देखते हो तो फिर इसको मिक्स सेंटेंस बोलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप, फिर से रिमाइंड करवाता हूं आपको, कोई भी दो क्लोज यदि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई है तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और वैसे अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें देखो यहां पर एंड भी आया हुआ है और वहां पर वेन भी आया हुआ है, तो इसको वेन से कौन सी क्लोज बनी, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये कोऑर्डिनेट क्लोज और ये मेन क्लोज। तो ऐसे सेंटेंस को हमारे ग्रामरिस्ट मिक्स सेंटेंस भी बोलते हैं। तो आप, लेकिन आपको अगर कोई पूछे कि सेंटेंस की टाइप कौन सी, तो यहां आपको केवल केवल मात्र कंपाउंड सेंटेंस बताना है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन आने पर उसको कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे, और जब मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज मिलती हैं तब उस समय कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो एक चीज आपको मैंने यहां पर समझा दी। देखो मैं आपके सामने बहुत सारे सेंटेंस लिख रहा हूं आप, और उनसे हम ये डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि उनमें आई हुई क्लोज को हम क्या नाम दें। तो इसको आप नोट कर ले और हमारे साथ बने रहे, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करें आप, आपके कमेंट्स में बहुत अच्छे लगते हैं। कोई डाउट्स हो तो बताइए मुझे। मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं और हम इन सेंटेंस से ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि इनमें कौन सी क्लोज है और ये सेंटेंस किस टाइप का है। और आपको देखो साथ में मैं एक चीज़ और बताऊंगा आप कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं उनकी कितने टाइप होती हैं, ये किस प्रकार की होती हैं, उसको भी हम साथ में डिफाइन करेंगे। ओके, देखो हम पहले सेंटेंस को देखते हैं, ई हार्डली हर्ड व्हाट आई सेड, उसने देखो मुश्किल से ही सुना जो मैंने कहा था, यानी व्हाट आई सेड यानी जो मैंने कहा। तो ये वाली जो हमारी क्लोज है और ये क्लोज है, दो क्लोज है यहां पर, इस क्लोज को हम क्या नाम देंगे, पहले देखिए, इसको हम नाम देंगे मेन क्लोज, अंडरस्टूड। और इसको हम कौन सा नाम देंगे बताइए, टेल मी, एनीबॉडी टेल मी, शाबाश वेरी गुड नाइस, सबऑर्डिनेट क्लोज वेरी गुड, ये कौन सी क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, अंडरस्टूड। क्यों क्यों है देखो, क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़ी हुई है, इस बात को आप समझ गए, क्यों मानेंगे इसको अपन सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि कौन सी क्लोज हुई है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, अब देखो हम ये चीज डिफाइन करते हैं कि ये यहां पर ये जो क्लोज है ये किसका काम कर रही है। देखो क्लोज जिसका काम करेगी हम उसी को उसी का नाम देंगे। ओके, अब एक समझना आप, जो क्लोज नाउन का काम करेगी नाउन क्लोज होगी, कौन सी, केवल सबऑर्डिनेट क्लोज, मैं केवल सबऑर्डिनेट क्लोज की बात कर रहा हूं। जो क्लोज नाउन का काम करेगी नाउन क्लोज होगी, जो क्लोज एडजेक्टिव का काम करेगी एडजेक्टिव क्लोज होगी, जो क्लोज एडवर्ब का काम करेगी एडवर्ब क्लोज होगी। तो सबऑर्डिनेट क्लोज के हम तीन तरह की क्लोज यानी तीन प्रकार की टाइप्स को लर्न करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमें इस क्लोज को ने कौन सा काम किया, इस काम को देखने के लिए आप मुझे एक बात बताइए, इसके जस्ट आगे देखेंगे, यहाँ देखा हमने, ये क्या है भाई बताइए, क्या है, वर्ब, वी टू लिखी हुई यहाँ पर, सेकंड फॉर्म है, वर्ब है। तो वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं क्या, यानी व्हाट, उसने मुश्किल से क्या सुना, जवाब आया What I said, जो मैंने कहा था। तो देखो जो क्या का जवाब होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, इस बात को आप समझ गए, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है वह। जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं क्या और किसे, जो हमारे पास में आंसर आए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब गाइज मुझे एक बात बताओ आप, ऑब्जेक्ट की जगह पर दो चीजें हो सकती हैं, कौन सी, एक तो प्रोनाउन हो सकता है, एक नाउन हो सकता है। तो ये सारा प्रोनाउन तो है नहीं, इसने क्या किया, एक नाउन का काम किया, बोलो नाउन का काम किया, क्यों किया,
क्योंकि ये वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट नाउन बन सकती हैं या प्रोनाउन बन सकती हैं। तो हम इसको कौन सी क्लोज नाम देंगे बोलो? नाउन क्लोज। वेरी गुड, नाउन क्लोज नाम देंगे इसको। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही हैं। और यहाँ पर देखो हमारी जो ये वर्ब हैं, इस वर्ब के ठीक बाद आई हैं। वर्ब के ठीक बाद में तीन चीज़ें हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और एडवर्बियल हो सकता है। लेकिन हम यदि वर्ब से ही क्वेश्चन करेंगे कि क्या या किसे, जो जवाब आया वो क्या होगा बोलो? क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो ये इस क्लोज को हमने क्या नाम दिया? ये कौन सी क्लोज है? ये नाउन क्लोज है। मैं इसको एन और सी में लिख देता हूँ, कोस्ट में, कोष्टक में। आप समझ गए होंगे नाउन क्लोज है। अंडरस्टूड? ओके, हम अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। ये हमारी मेन क्लोज हुई, ये कौन सी क्लोज हुई बोलो? डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़ी हुई ना, कौन सी क्लोज हुई? सबऑर्डिनेट क्लोज। इस बात को आप समझ गए। अब देखो यहाँ पर हमारी ये वर्ब है, इस वर्ब के V1 है, इस वर्ब के ठीक बाद में वॉट ही इज डूइंग, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, आपको पता लग गया। अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्या, वॉट ही इज डूइंग, जो वह कर रहा है। ओके, तो देखो यहां पर भी क्या का जवाब हुआ, ये क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन। और नाउन ऑब्जेक्ट बन सकती है, तो इस क्लोज को क्या नाम देंगे? नाउन क्लोज। साथ में समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाउट्स नहीं रखना है आपको। आगे देखो, सुनो, यह कौन सी क्लोज हुई सेकेंड सेंटेंस में? ये नाउन क्लोज होगी। और किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। देखो यहां पर देखते हैं हम, ये हमारे पास में अलग क्लोज है यहां तक, और ये इधर से ये दूसरी क्लोज आ गई। नो वन कैन टेल हाउ दिस विल डू, देखो कोई नहीं जानता, कोई नहीं कर सकता कि ये किस तरह से होगा, कैसे होगा। तो देखो यहां क्या हुआ, यानी जैसे होगा, जैसे ये होगा, यहां क्वेश्चन तो है नहीं, तो यहां कैसे इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, ये भी डब्ल्यू एच वर्ड है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इससे हम क्वेश्चन करते हैं, नो वन कैन टेल, कोई नहीं बता सकता, कह सकता क्या, हाउ दिस विल डू, तो ये भी क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। ये भी क्या बना? ऑब्जेक्ट। और ये क्लोज कौन सी हुई? नाउन क्लोज हुई। ये कौन सी क्लोज हुई? नाउन क्लोज। क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट बन जाए वो क्लोज कौन सी होगी? नाउन क्लोज होगी। मिस्टर मलिक न्यू, सॉरी नोज होगा, सॉरी यहां पर प्रेजेंट सिंपल में लिखना होगा ना, मिस्टर मलिक नोज वेयर ही लिव्स। देखो सुनो, यहां पर हमें क्या करना है, देखो ये वाली क्लोज अलग है और मिस्टर मलिक नोज वेयर ही लिव्स। अब देखो हम यहां से देखते हैं, ये हमारी मेन क्लोज हुई और ये सबऑर्डिनेट क्लोज हुई। गाइज आप समझ में आ गया होगा आपके सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों हुई है, क्योंकि देखो आप यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़ने वाली जो क्लोज होगी वो कौन सी क्लोज होगी? सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब देखो इससे क्वेश्चन करते हैं, क्या, तो क्या का जवाब क्या आया? वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, और जहां पर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम नाउन क्लोज कहेंगे। ओके, अब देखो सेंटेंस नंबर 5 को देखते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग देखो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है, और आई विल ट्राई यानी कितनी लंबी कोशिश, यानी कितने या जितनी कोशिश मुझे करनी होगी, मैं उसको नहीं जानता। तो ये हमारी मेन क्लोज हुई, और ये कौन सी क्लोज हुई? सबऑर्डिनेट क्लोज हुई, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड से इसको ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं सेंटेंस में। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही हैं, ऐसा क्यों? देखो हम इससे क्वेश्चन करते हैं, क्या, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, हाउ लॉन्ग आई विल ट्राई, ये हमारा आंसर हुआ। और जो क्या का या किसे का आंसर हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? जो क्लोज करेगी उसे हम नाउन क्लोज कहेंगे। ही सेड दैट, उसने कहा, डेट से जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ, यानी इफ डेट और डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़ने वाली क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हुई, और इससे हम क्वेश्चन करते हैं, क्या, तो जवाब आया हमारे पास में ये, तो ये कौन सी क्लोज हुई? ये भी नाउन क्लोज हुई। गाइज मैं आपको यहाँ पर नाउन क्लोज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी नाउन क्लोज क्या काम करती हैं, सारा ऑब्जेक्ट का काम किया। यहाँ पर एक कमेंट्स आया है कि सर सब्जेक्ट का काम नहीं करती क्या?
सब्जेक्ट का काम भी करती हैं, नाउन क्लोज सब्जेक्ट का काम भी करती हैं यदि अगर वो सब्जेक्ट की जगह पर आई हैं तो। लिसन, ये हमारी मेन क्लोज हुई। वॉट सी इज टेलिंग नाउ, वो अब क्या कह रही हैं, तो ये क्या हुआ, इसकी सबॉर्डिनेट क्लोज हुई। और ये क्या का जवाब दे रही हैं, इसलिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो नाउन क्लोज होगी। इस तरह से गाइज हमने इन सभी सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन पकड़ी है कि सब में नाउन क्लोज आई है और सारी की सारी क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज हैं। तो गाइज हम देखो, मैं आपको यही समझाना चाहता था, मैंने आपको कन्फ्यूजन में रखा कि पहले नहीं बताया कि सब नाउन क्लोज हैं। तो देखो, हम सबॉर्डिनेट क्लोज की जो फर्स्ट टाइप है नाउन क्लोज, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हमने एक चीज़ देखी है कि नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट बनती हैं और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकती है, उसे जहाँ पर जो सबॉर्डिनेट क्लोज ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी वो क्या होगी, वह नाउन क्लोज होगी। आप इस तरह से इनको याद नहीं रख सकते, नाउन क्लोज कभी एडजेक्टिव क्लोज ही बन जाती हैं। कब, जब वो किसी नाउन की नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तब वो एडजेक्टिव क्लोज बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सभी जो वर्ब हैं इन वर्ब्स के बाद में ये क्लोज आई हैं और ऑब्जेक्ट का काम कर रही हैं। तो ये सारे की सारी वर्ब कौन सी हुई बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। यानी कौन सी हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ऐसी वर्ब्स जिनके पास में ऑब्जेक्ट हो उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ये जो सेंटेंस की टाइप है इसको हम कौन सा नाम देंगे, देखो सुनो, एक बात समझिए आप, मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जिस सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्लोज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई हो तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन यदि एक मेन क्लोज के साथ में प्लस हो रही है, कौन क्या प्लस हो रही है, सबऑर्डिनेट क्लोज, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किस सेंटेंस को बोलेंगे, जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज के साथ में दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज हो। देखो गाइज, मैं यहां से एक चीज और सिखाने की कोशिश करता हूं आपको, आप इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब देखो, हमसे परीक्षा में कहां गलती होती है हम उसको लेकर बात करते हैं। मैंने आपके सामने देखो कुछ सेंटेंस को इरेज कर दिया है और यहां पर तीन सेंटेंस आपके सामने डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं। अगर हमें इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना हो तो हमें क्या करेंगे, कहां से बनाएंगे। देखो गाइज, हमसे ये अक्सर गलती होती है, हमारे एरर्स कैसे आते हैं देखो, उनको पॉइंट आउट करते हैं अपन। यहां से अगर हम इसको ऐसा लिखे no one tell how this will do, हमने क्या किया, वर्ब का इन्वर्जन कर दिया। इन्वर्जन जानते हो आप, वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रखना। तो ये देखो हमने यहां क्या किया, ये हेल्पिंग वर्ब थी, इसको आगे लिया, क्वेश्चन बना दिया इसको। या तो ये हो सकता है, या देखो ये हो सकता है, नो वन कैन टेल हाउ विल दिस डू। देखो हमने क्या किया, दो तरीके अपनाए यहां पर। एक तो आपने क्या किया, मेन क्लोज की जो, याद देखो मेन क्लोज ये, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब को आगे लिया है और आपने क्वेश्चन बना दिया। या ये काम किया हमने, देखो मेन क्लोज को वैसा का वैसा लिखा और जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज थी उसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको आगे लिया है। तो गाइज, इन दोनों में से राइट कौन सा है, हमें ये टेस्ट करना है। गाइज ये 100% शत प्रतिशत रोंग है। कभी भी सबऑर्डिनेट क्लोज से हम इस वाली क्लोज से क्वेश्चन नहीं बना सकते, इस बात को आप याद रखिए। ये वाला सेंटेंस पूरी तरह से सही है, अंडरस्टूड। फिर मेरी बात को रिपीट करता हूँ, कभी भी क्वेश्चन वर्ब का इन्वर्जन सबऑर्डिनेट क्लोज में नहीं होगा, केवल मेन क्लोज से ही क्वेश्चन बनेगा, ओके। और हमारे देखो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम गलती कर बैठते हैं और इसको हम सही मान
मान लेते हैं, ये गलत हैं। यहाँ पर हमें इस वर्ब हेल्पिंग वर्ब को वापस वहीं रखना है सब्जेक्ट के बाद में। ये बात आप याद रखें, इसलिए मैंने आपको ये सारे चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आपको, इनको आप अच्छी तरह से याद रखिए और एग्जाम में कोई गलती ना करे। गाइज मैंने आपको एक सबऑर्डिनेट क्लोज की एक टाइप बताई है, वो कौन सी बताई बोलो, कौन सी बताई? नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्यों नाम दे रहे हैं ये बताइए आप, बोलिए। क्योंकि ये सारी की सारी क्लोज ऑब्जेक्ट के रूप में इन वर्ब के साथ में जुड़ी हुई थी, ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी। जो क्लोज ऑब्जेक्ट का काम करेगी उसको हम नाउन क्लोज कहेंगे। नाउन क्लोज सब्जेक्ट का काम भी करती है। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखकर इस बात को डिफाइन करता हूँ या डिस्कस करता हूँ। देखो, जैसे अगर कोई भी क्लोज किसी वर्ब से पहले आई है तो वो क्या करेगी, सब्जेक्ट बनेगी। और जो चीज़ सब्जेक्ट बन जाती है गाइज, उसको याद रखिए आप, सब्जेक्ट दो ही चीज़ बनती हैं, या तो कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो। देखो मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, वॉट ही सेड इज वेरी नाइस। सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं अपन। यहाँ पर देखो मैंने ये जो वर्ब है, ये भी वर्ब है लेकिन ये इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो ये जो क्लोज आई ये सब्जेक्ट के रूप में आई है, और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो इसको हम प्रोनाउन तो कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्या कहेंगे इसको, नाउन मानेंगे। ये क्लोज है पूरी, क्यों है क्लोज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आया और यहाँ पर वर्ब आई। और जो सेंटेंस का पार्ट हो, ऐसा पार्ट जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, उसको हम क्लोज कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, और कौन सी क्लोज हुई, नाउन क्लोज हुई। समझ गए इस बात को आप, क्योंकि सब्जेक्ट दो ही चीज़ें बन सकती हैं, तो नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ ये इसको हम नाउन क्लोज कहेंगे। अंडरस्टूड? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स हो तो बताइए। हम सबऑर्डिनेट क्लोज की बात कर रहे हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज में मैंने आपको उसकी जो फर्स्ट टाइप थी नाउन क्लोज उसके बारे में बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम इसकी जो नेक्स्ट टाइप है, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। देखो मैं आपको पहले मैंने आपको समझाया है, और फिर आपको ये बात बताइए कि नाउन क्लोज क्या होती हैं। बताओ नाउन क्लोज क्या होती हैं, बोलिए। अब ये समझिए, देखो यहाँ से देखो हम एक चीज़ आपको मैं नोट करवा देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको आप नोट कर ले नोटबुक में। देखो मैं हम पढ़ गए कौन सी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज कितनी टाइप की होती है, क्या होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सब ऑर्डिनेट क्लोज, हम सबऑर्डिनेट क्लोज को डिस्कस कर रहे हैं। इसके मैंने आपको तीन टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपसे, यानी थ्री टाइप्स की के बारे में हम बात करेंगे। हमने पहला देखा नाउन क्लोज, इसके बाद में एडजेक्टिव क्लोज, और इसके बाद में एडवर्ब क्लोज। ये थ्री टाइप्स की क्लोज होती हैं। हमने अभी भी जो डिस्कस किया है वो क्या था, नाउन क्लोज। कैसे डिफाइन करेंगे, कोई सी भी क्लोज हो, नाउन का काम कर रही है, नाउन की जगह आई है, नाउन का रोल प्ले कर रही है, तो क्या होगी, नाउन क्लोज होगी। किस टाइप में, सबऑर्डिनेट क्लोज में, ऐसी नाउन सॉरी ऐसी क्लोज जो एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव का रोल प्ले करे उसको एडजेक्टिव क्लोज, ऐसी क्लोज जो एडवर्ब का काम करे उसको हम एडवर्ब क्लोज कहेंगे। अब हम इसकी सेकेंड टाइप पर चलते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप इसे नोटबुक में नोट कीजिए गाइज। हम कुछ सेंटेंस को डिस्कस करते हुए एडजेक्टिव क्लोज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो आपको मैं एक चीज पहले बता दूं, हम सबऑर्डिनेट क्लोज की टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो हमने इससे पहले नाउन क्लोज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। अब यहाँ देखते हैं हम, ये जो इसमें क्लोज आएगी उनमें से एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी और एक मेन क्लोज होगी। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी वह एडजेक्टिव का रोल करेगी, इसलिए हम उसको एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे। देखो द पर्सन, पर्सन क्या है, नाउन है, और यहाँ से ये हु टोट मी योगा, ये कौन सी क्लोज हुई, सबऑर्डिनेट क्लोज। क्यों हुई, समझते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो गई। लिव्स इन
इन द वुड्स, जंगल में रहता है। वह आदमी जिसने मुझे योगा सिखाया जंगल में रहता है। ये जो क्लोज है ये क्या कर रही है, इस नाउन पर्सन को मॉडिफाई कर रही है। और जो क्लोज किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती हैं उसको हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। अंडरस्टूड? तो यहां से हमारी प्रिंसिपल क्लोज कौन सी हुई, ये वाली क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज। सबॉर्डिनेट क्लोज कौन सी हुई, ये वाली क्लोज। और ये कौन से टाइप की हुई, एडजेक्टिव क्लोज हुई। क्यों हुई, समझ गए आप? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स? नो डाउट्स। अनिल हु इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अनिल जो मेरा अच्छा मित्र है, वर्क्स इन जयपुर, जयपुर में काम करता है। देखिए आप यहाँ पर ये अनिल नाउन है और ये जो क्लोज आई ये किसको मॉडिफाई कर रही है, किसके बारे में बता रही है, अनिल के बारे में। हु वर्क्स इन जयपुर यह दूसरी क्लोज हुई, उस वाली क्लोज को हम मेन क्लोज कहेंगे। और ये वाली क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज है। और सबॉर्डिनेट क्लोज का कि कौन सी टाइप है हम इस पर बात कर रहे हैं, कौन सी टाइप बताओ? ये एडजेक्टिव क्लोज है क्योंकि इसने इसको, इस नाउन को मॉडिफाई किया है। ओके, अब देखो, ज्योति इज द गर्ल हुम आई एडमायर अ लॉट। अब यहां देखते देखो आगे हमारे पास में एक सेंटेंस है या क्लोज है। देखो यहां से यहां तक ये मेन क्लोज है और ये प्रिंस, ये सबॉर्डिनेट क्लोज है। ये मेन क्लोज है, इसी को हम प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हैं, और ये सबॉर्डिनेट क्लोज है। अब ये सबॉर्डिनेट क्लोज क्यों है आप समझ के, जिस क्लोज के आगे इफ, देट और कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड्स होगा उसको हम सबॉर्डिनेट क्लोज कहेंगे। अब ये देखते हैं गाइज, ये किसका फंक्शन कर रही है, एडवर्ब का कर रही है तो एडवर्ब क्लोज होगी, नाउन का कर रही है तो नाउन क्लोज होगी, और यदि एडजेक्टिव का कर रही है तो एडजेक्टिव क्लोज होगी। यहां देखिए हमारे पास में एक नाउन है, द गर्ल हुम आई एडमायर अ लॉट, ये सब सारी की सारी क्लोज इसको मॉडिफाई कर रही है, इसी के बारे में बता रही है। तो ये नाउन है और नाउन के बारे में बताने वाली जो क्लोज होगी उसको हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। देखो, आई लव द बुक दैट माई ब्रदर गेव मी लास्ट मंथ। देखो, देट माई ब्रदर गेव मी लास्ट मंथ, ये सबॉर्डिनेट क्लोज है और यहाँ पर ये द बुक को मॉडिफाई कर रही है। द बुक क्या है, नाउन, इसलिए नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाली क्लोज को एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे। अंडरस्टूड? देखो आगे, द मूवी विच वी वॉच्ड लास्ट मंथ वॉज अमेजिंग। तो देखो, विच वी वॉच्ड लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, ये जो क्लोज है ये सबॉर्डिनेट क्लोज है और मूवी के बारे में बात कर रही है। तो ये कौन सी क्लोज हुई बताइए, एडजेक्टिव क्लोज, और ये यहां से हमारी ये मेन क्लोज है। हम लास्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, जयपुर विच इज ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी। देखो, जयपुर विच इज नोन एज द पिंक सिटी। अब देखो, जयपुर जिसको पिंक सिटी बोलते हैं, ये सारी सारी क्लोज हैं और ये क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुई है, और इसको हम एडजेक्टिव क्लोज क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जयपुर के बारे में हमें जानकारी दे रही हैंज अ रिच हेरिटेज, ये हमारी मेन क्लोज हुई। गाइज आप समझे होंगे, यानी जो क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज एडजेक्टिव का काम करे एडजेक्टिव क्लोज होगी, और जो नाउन का काम करे, बोले नाउन का काम करे वो नाउन क्लोज होगी। इस प्रकार से हम सबॉर्डिनेट क्लोज को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और एक और टाइप होती है इसकी, एडवर्ब क्लोज। गाइज हम उसको नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल, उसमें डिस्कस करेंगे। ये सारे की सारी क्लोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके नोट्स बनाएं और नोट्स बनाकर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर सेंड करें, और हमारी लाइव क्लास को डेली देखें। ये आप सबका प्यार हमें मिलता रहे इस तरह से, हमें बड़ी खुशी होती है आप हमारी लाइव क्लास को देखते हो। हमारी टेक्निकल टीम, इसके लिए आपका बहुत बहुत, आपकी बहुत बहुत आभारी हैं। आप सब हमारे साथ ऐसे ही बने रहे हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ओके, गुड नाइट।